आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों तक पहुंच रहा है। बदलाव जनसभा के क्रम में रविवार को पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने एक ही दिन में कुल 7 रैलियों को संबोधित किया, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल रहे। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद आपने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपके सभी नेता पूरे प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और सांसद संजय सिंह तक सभी जनसभाएं कर केजरीवाल की गारंटियां गिनवा रहे हैं। ऐसे में आपके आने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनेताओं की माने तो भले ही कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन आपके आने से कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। अगर चुनाव के दौरान वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो खेल भी बिगड़ सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में चुनावी सभाएं कर रही है। इस बार चुनावों में यहां की कमान संभाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। सुनीता हरियाणा में कई सभाएं कर चुकी है और केंद्र सरकार पर लगातार प्रहार भी कर रही है। सुनीता केजरीवाल ने सोहना और फरीदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इकलौते नेता हैं जो 24 घंटे मुफ्त बिजली, बेहतरीन शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बसें जनता को दे रहे हैं। कोई और पार्टी ऐसे काम नहीं कर सकती। मोदी जी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं, इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है। पर इस बार हरियाणा अपने लाल का साथ देगा। आप खुद से सुनिश्चित करें कि आपका वोट भाजपा को ना जाए। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर में भाजपा ने किसानों पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलवाए, खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर आपके किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का अपमान किया है। जब आप वोट देने जाएं तो आप 750 किसान भाइयों की शहादत को याद रखना और भाजपा की जमानत जब्त करवा देना। तो वहीं इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेहोवा, असंध और सोनीपत में जनसभा की। उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को नौकरी के काम पर इजराइल और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मरने के लिए भेज रही है। बीजेपी सरकार आपके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है। इससे ये स्पष्ट है कि हरियाणा के आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरी तरह इसके साथ उतर रही है। आम आदमी पार्टी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव के प्रचार में कोई कसर न रह जाए। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या हरियाणा की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है या नहीं, ये तो अक्टूबर के चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।